हेलो दोस्तों, जैसे कि स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, 10वीं 12वीं और स्नातक उम्मीदवारों के लिए 70,000 से प्लस नौकरियाँ निकाली है सरकारी में, जो कि रेलवे, पुलिस, बैंकिंग, डिफेंस में होगी भर्तियाँ। तो चलिए जानते हैं क्या है इसकी पूरी जानकारी हमारे आज के इस वीडियो के जरिए। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें, देश भर में वर्तमान में विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा ढेरों सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। वैसे उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको आज हम इस वीडियो में 70,000 से भी अधिक सरकारी नौकरियों की जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, रेलवे, IBPS, राज्य लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पुलिस विभाग, एयरफोर्स, डाक विभाग जैसे अन्य कई सरकारी संगठनों ने 70,000 से भी प्लस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सभी नोटिफिकेशन के साथ ऑफिशियल अधिसूचना भी है, जिससे आप सभी जानकारी विस्तृत रूप से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों जहां तक इन पदों हेतु आवेदन के लिए आवश्यक योग्यता की बात है, तो बता दें आपको 10वीं से लेकर स्नातक उम्मीदवारों के लिए पदों की भरमार है। बस जरूरत है अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुरूप पदों के लिए नियत समय में आवेदन कर परीक्षा की तैयारी में जुट जाने की। जैसा कि दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी सुविधा के लिए सभी अधिसूचना का संक्षिप्त विवरण भी दे रहे हैं, तो आइए जानते हैं क्या है संक्षिप्त विवरण। जैसे फ्रेंड्स, जैसे कि बैंकिंग क्रमिक चयन संस्थान यानी कि IBPS अगस्त और अक्टूबर 2018 के मध्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि RRBS भर्ती प्रक्रिया CRP के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा के माध्यम से समूह ए ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 और समूह बी ऑफिस असिस्टेंट बहुउद्देशीय पदों की भर्ती की जाएगी। समूह ए और बी ऑफिसर्स के पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 2 जुलाई 2018 है। तो वहीं भारतीय रेल ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF एवं रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स यानी कि RPSF सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है rpfonline.reg.org से 30 जून 2018 तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि इसके बाद आता है, रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF और रेलवे सुरक्षा विशेष बल यानी कि RPSF में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। RPF एवं RPSF रेलवे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 के लिए 1 जून 2018 से ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल पोर्टल जो कि www.constable.rpfonline.reg.org पर आरंभ है, जो कि 30 जून 2018 तक जारी रहेंगे। वहीं आगे आता है, बेरोजगार युवाओं के लिए राजस्थान अधीनस्थ और मंत्री सेवा चयन बोर्ड ने यानी कि RSMSSB ने 1832 कृषि प्रवेशक यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पदों के लिए अधिसूचना प्रकाशित की है। पात्र उम्मीदवार 5 जुलाई 2018 से 3 अगस्त 2018 तक अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UP SSSC ने ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप के तहत 25 जून 2018 तक आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं आगे आता है, बिहार पुलिस ने कांस्टेबल यानी कि बिहार फायर सर्विस एवं फायरमैन के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप के तहत 30 जून 2018 तक या इससे पहले पहले अपना आवेदन कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, आखिर में आता है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि RVUNL ने जूनियर इंजीनियर, इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट एवं जूनियर केमिस्ट के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप के तहत 2 जुलाई 2018 तक या इससे पहले पहले आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी की इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाली ऐसी ही रिक्रूटमेंट की खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और करिए इंतजार हमारी अगली अपडेट का।